अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करछु मु स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस राज्य रे कोरोना मृत्यु रे लागुनी ब्रेक आज आउ 60 जीवन नेला किलर वायरस सपटे 24 घंटा रे 1629 पॉजिटिव खोरधारु 532 कटक रु 160 आक्रांत उत्तर बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि प्रभाव रे 28 रु 30 तारीख भितर राज्य रो विभिन्न स्थान रे वर्षा संभावना आज 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग आज 12 घंटिया बरगड़ बंद डाकरा ड्राइवर मानू कोरोना योद्धा घोषणा दाबी रे बंद डाकरा देछि ओडिशा मोटर चालक संघ कोरोना रे मृत्यु हेले 50 लाख टंका आर्थिक सहायता देबाकू दाबी उग्र हेला सीमा विवाद अशांत आसाम मिजोराम बॉर्डर संघर्ष रे आसामर 6 पुलिस शहीद समस्यार शीघ्र समाधान पाई दुई मुख्यमंत्री को केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को निर्देश जेई एडवांस पाई तारीख घोषणा अक्टोबर 3 रे परीक्षा नहीं घोषणा कले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट करी कहिले कोविड कटकणा रे हेबो परीक्षा आज प्रधानमंत्री को भेटे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी अपराह 4 समय मोदी व दीदी भेटघाट 5 दिनिया गस्तरे अन्य विरोधी नेता भेटा कार्यक्रम 2024 निर्वाचन दीदी दिल्ली गस्त नहीं चर्चा जो एवं टोक्यो ओलंपिक्स ने पुरुष हॉकी भारतर द्वितीय विजय स्पेन को 3-0 गोल हराइला टीम इंडिया सेपटे सुटिंग पुणि निराशा 10 मीटर एयर पिस्तल रा द्वितीय राउंड रे विदा हेले मनु एवं सौरभ संपूर्ण खबर को आसीबा राज्य रे पुणे 60 जीवन नेछि वायरस सुंदरगढ़ सर्वाधिक 14 जनकर कोरोना रोगी मृत्यु होइछि खोर्धारु 8 कटक अनुगुल 6 जन लेखाए आक्रांतों मृत्यु आज संख्या को मिसाई ओडिशा रे मोट कोरोना जनित 5634 पहुंची मृत्यु संख्या सेपटे 24 घंटे मोट 1629 पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धारु सर्वाधिक 532 कटक 160 पुरी 96 जाजपुर 84 नुआ आक्रांत चिन्हट होता सूचना ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई दिव्य ज्योति फोनलाइन जोड़ी होती अमर रिपोर्टर दिव्य जहां सूचना रही 2000 तौक रोच वर्तमान कोरोना संक्रमितों संख्या राज्य में किंतु 60 तौक आसी पारना बा कोरोना दैनिक मृत्यु संख्यार एवं पर्यंत ब्रेक लगी पारना अपडेट कौन आस देखो सूचना निश्चित भाव में जदिव संक्रमित संख्या लगातार भाव सप्तम दिन आज पाखापाखि 1500-1600 रही तथापि आगे कथ आपा कहते मृत्यु संख्या निहत भाव चिंताजनक कारण लोक भितर एवं भी गोटे संख्या रोचे जदि राज्य संक्रमण कमिगला तेज कहीं विशेषकर मृत्यु संख्या कमुना स्वास्थ्य विभाग से बारंबार गोटे कथा कहा जेहेतु टेस्ट को ऑडिट करा बर्तमान पूर्व डेथ गुड ऑडिट करा बर्तमान किसी दिन एमती जारी रहा मृत्यु संख्या 60-70 एवं पाखे रोक किंतु सबुत बड़ प्रश्न सी हूँ आप देखते खोर्धा ता सहित कटक हो कि बालेश्वर जाजपुर यही तमाम जगार संक्रमण टी अधिक रोचे बर्तमान से मृत्यु संख्या केत रही खोर्धा जिले में यदि 500 रोगी दैनिक संक्रमित चिन्ह होते डेथ रेट बर्तमान गत 24 घंटा भितर के सबुत बड़ प्रश्न सूची जहाँ उपर क्लारिफिकेशन दबार आवश्यक रही स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य विभाग से विषय में कौन से क्लारिफिकेशन दबार ना सबुत बड़ प्रश्न सृष्टि होती है प्रकृत में स्वास्थ्य विभाग यदि डेथ संख्या गोलमाणिया करूना तो जिते सुप्रीम कोर्ट रे यही प्रसंग सामना आसला सुप्रीम कोर्ट समस्त राज्य सरकार को कही डेथ रिपोर्ट को ऑडिट करूँ और 24 घंटा भितर कौन डेथ रही तार सविस्तृत तथ्य राज्य को जनातु किंतु राज्य सरकार ये तथ्य गोलमाणिया कर बारंबार लगी प्रथम तो तथ्य लुचा गला तथ्य को जो माध्यम प्रचार प्रसार कराला जो कि राज्य सरकार तथ्य लुचाऊँ परवर्त समय राज्य सरकार डेथ ऑडिट रिपोर्ट सामना को आने किंतु वर्तमान गत 24 घंटा भितर केेथ हो तार कौन स्पष्टता राज्य रखुना अंपटे आम संक्रमण कथा देखा खोर्धा जिला निहत भाव चिंताजनक रही है आज भी 500 संक्रमित संख्या रही आप देखु दिल्ली हो अंपटे मुंबई हो कि जो बड़ बड़ सिटी गुड़िक रही संक्रमित संख्य बहुत रोक लगे
दिल्ली पाखापाखि 114 लक्ष संक्रमित संख्या, किंतु भुवनेश्वर जमा 13 लक्ष लोक हो कहीं संक्रमित संख्या कमुना है। कौन स्ट्राटेजी अपने जोटा स्वास्थ्य विभाग अपने पार्टी दिव्यज्योति सबुठ बड़ कथा जदि यही धारा रे मृत्यु संख्या जारी रहे एवं एथिरे ब्रेक न लागे आगक तृतीय लहर से आशंका मध्य मन भितर रहुची। द्वितीय लहर रो भयावहता देखिबा परे तृतीय लहर आहुरी अधिक भयभीत आमको कराइबो ए डर मनरे रहुची। तो वर्तमान परिस्थिति रे नुआ स्ट्राटेजी अपनेबार आवश्यकता रहुची जदि ए स्ट्राटेजी रे नियंत्रण आसुना ही। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଡେଥ୍ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁ ଶେଷ ନ କରାହଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହଉଛି ଯଦିଓ ସିଭିଆରିଟି କମ୍ ରହିଥିବ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୃତୀୟ ଲହରର ଆଫେକ୍ଟ କଣ ରହିବ, ତୃତୀୟ ଲହର କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ରହିଛି, IIT କାନପୁରର ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ହିଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଭାବଟା ଅଧିକ ରହିବ। ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଯୋଉ ଡେଥ୍ର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କାରଣ ପାଲଟିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ, ତାପରେ କିଭଳି ରୋକ ଲଗାଯିବ ସେ ନେଇ निश्चय विशेषज्ञ सहित परामर्श आवश्यकता रही। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य समस्त सूचना। दिव्य जेभली भाव में कहते वर्तमान समय कोरोन अन्य राज्यर कथा जी कह मृत्यु संख्या रे ब्रेक लगला, किंतु दैनिक 60 रु ऊर्ध मृत्यु संख्या आसुची जहां राज्य सरकार सहित साधारण लोकों चिंता बढ़ाई। उत्तर बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि, गतकालीर घूर्णिबलय प्रभाव में लघुचाप सृष्टि होइतिबा आंचलिक पाणिपाग विभाग सूचना। लघुचाप प्रभाव में 28 रु 30 तारीख भितरे राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना, किछि स्थान में प्रबल वर्षा होबा आशंका। आज 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणिपाग विभाग। 6 जिला हेउछि सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक। सेभली भाव में 28 तारीख में 13 जिला को येलो वार्निंग जारी कराइछि। ए बाबद अधिक सूचना सीधासल कम प्रतिनिधि कविता पाक जा। कविता, उत्तर बंगोपसगर आउ एक लघुचाप सृष्टि जहां प्रभाव में कह जिले विशेष भाव में अधिक रु अधिक वर्षा हो, कौन अपडेट आसूरी पाणीपाग विभाग तरफ? निहत भाव में स्मृतिलग्न जी कह जो गत काली जो उत्तर बंगोपसगर और तार आखपाख अंचल गोटे घूर्णबल सृष्टि होता ताब लघुचाप रूप नहीं आसंता 30 तारीख पर्यंत जो कि राज्य विभिन्न स्थान में स्वल्प मध्यम धरण और किसी स्थान में प्रबल रू अति प्रबल वर्षा हाँ नहीं सतर्क सूचना जारी कर आंचलिक पाणीपाग विभाग। यहाँ सह आज 6 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जिला गुड़ को कही रखा चाहिए बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज इत्यादि, जाजपुर इत्यादि जिला को येलो वार्निंग जारी कर सहित मत्स्यजीवी मानी सतर्क सूचना जारी कर कहीं जो 30 तारीख पर्यंत कौन भी मत्स्यजीवी को गभर जल भितर को नजरपाई समुद्र भितर को नजरपाई बारण कर कहीं झड़ पवन 40 रु 50 किलोमीटर पवन बहबार आशंका रही है जो कि मत्स्यजीवी मानी बारण रही समुद्र भितर को नजरपाई। या सह जब कह गोटे मस भितर दुई दुईट लघुचाप सृष्टि हो सारा, 22 तारीख में गोटे लघुचाप सृष्टि होता पुणी आज आउ गोटे लघुचाप। जदि कह भुवनेश्वर कथा तेल विभिन्न स्थान में ड्रेनेज समस्या हो जल पूर्ण हो रही विभिन्न स्थान में समस्या उपजुच्छी तलिया अंचल विशेषकर कहीं ड्रेनेज कम अनेक स्थान देखा मिली कम एमती ड्रेनेज खोला रही समस्या अनेक उपजुच्छी तो लघुचाप गोटे मसने दुई दुईट लघुचाप अनेक समस्या उपजुच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद कविता सविशेष सूचना। कविता जो भाव में कहते जे 6 जिला को येलो वार्निंग जारी करा से सब जगार वर्षा अधिक हो 28 तारीख में अपरपक्ष 13 जिला को येलो वार्निंग जारी करा।
आज 12 घंटिया बरगढ़ जिला बंद डाकरा देछि ओडिशा मोटर चालक संघ ड्राइवर मानंकु कोरोना योद्धा घोषणा करबा पई दाबी करी सकाळ 6टा रु संध्या 6 पर्यंत बंद डाकरा देछि संघ। अताबिरा सोहला भटली अंबावना भुक्ता अंचल रे समस्त दुकान बाजार बंद थिबा देखिबा को मिलछि। ता सहित रास्ता अवरोध करिछंती संघर कर्मकर्ता। ड्राइवर मानंकु कोरोना योद्धा घोषणा करबा सहित कोरोना रे मृत्यु हेले परिवारकु 50 लाख टंका आर्थिक सहायता देबाकु दाबी होईछि। महामारी समय गाड़ी चालक घरे रही थिबारु 10,000 टंका क्षतिपूरण देबाकु मध्ये दाबी करुछंती संघर कर्मकर्ता। ए बाबद अधिक सूचना पाई मनीष शर्मा बरगढ़ प्रतिनिधि सीधा सड़क मो सहित जोड़ी होती। मनीष, आज बरगढ़ बंद सकाळ 6रु संध्या 6 पर्यंत बंद डाकरा दिया जाउछि, मुख्यतः दाबी कोन कोन उपस्थापन करा जाउछि? देखते सबसे लगना जो ये भाव में आज बरगढ़ जिले में पाखापाखि 12 घंटिया बंद डाकरा दि जाए ओडिशा मोटर चालक संघ तरफ जो महामारी कोरोना समय जो ड्राइवर मैंने जो मैंने जीवन को बाजी में लगे से मैंने कार्यरत होते दावी करोना योद्धा घोषणा करेतु कोरोना महामारी समय बहुत गाड़ी चलाचल बंद रही जो मैंने चाक्री हर 10,000 टंका प्रतिमास राज्य सरकार तरफ दि जाए एसहित जो छोट छोट पा शिशु मैंने अच्छा शिक्षा शिक्षा क्षेत्र में अधिक सुविधा दि जाए दावी करसहित जो मैंने कोरोना समय मृत्युवरण करते 50 लाख टंका दि जाए दावी कर आज सका 6टा रु संध्या 6टा पर्यंत से बंद डाकरा देते समस्त दुकान बजार गुड़िक बरगढ़ जिले में बंद रही अटाबिरा अंबावना भटली सोहला यू अंचल सब दुकान बजार गुड़िक बंद रहा सहित गाड़ी चलाचल संपूर्ण भाग में बंद रही है। जो ड्राइवर मैंने रही से राज्य रास्ता को ओल्लैंट आंदोलन करिमांड रही बंद को जनसाधारण बरगढ़ बासिंदा समर्थन कर देखा मिले कि निश्चित रूपे जनसाधारण मत मैं समर्थन करेतु डिमांड जेहतु कोरोना समय से अधिक ड्यूटी करंबुलांस ड्राइवर कथा कहतु जो ड्राइवर मैंने अक्सीजेन जो मैंने नहीं जाते से कथा कहतु तो से समस्ते सहयोग कर बंद रही बंद को सफल किपर भाव सेपर मैंने चिंता करगक चेतावनी देते जेहतु आज बरगढ़ जिला केवल बंद डाकरा दिखाई एवं जब ये दादी गुड़िक रही जो दादी गुड़िक न मना जाए तो आगामी दिन में सारा ओडिशा बंद कर ड्राइवर संघ तरफ चेतावनी दि जाए दावी न शुणिले आगामी दिन में सारा ओडिशा बंद रेतावनी दे संघ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आम बरगढ़ प्रतिनिधि अधिक सूचना दूसरे खबर बाबद। टोक्यो ओलंपिक्स रो पंचम दिन में स्पेन को 3-0 गोल रे हराई भारत। सेपटे शूटिंग रे भारत को निराश करी मन्नु सौरभ जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्तल रे सप्तम स्थान रे रही विदाय नहीं मनु भास्कर और सौरभ चौधरी। टेबल टेनिस रु भी आसी खराब खबर, अचिंता शरत कमल 1-4 सेट्रे हारी जाता जना। सेपटे स्वदेश फेरिले सुना झील मीराबाई चानू, टोक्यो ओलंपिक्स रे भारत पक्षर प्रथम रौप्य पदक हासिल करितबा भारोत्तोलनकारी साइखो मीराबाई चानू सोमवार फेरी आसी भारत। फेरवा समय नूआदिल्ली विमान बंदर में भव्य स्वागत करा जाई। केंद्र क्रीड़ा मंत्रालय पक्षर संवर्धना दि जा देखा मिली। से विमान बंदर पहुंचा पर पूरा विमान बंदर भारत माता की जय ध्वनि प्रकंपित होता। सहयात्री विमान कर्मचारी माने तांको करताली एवं हर्षनाद माध्यम रे स्वागत जनाइथिले। परे क्रीड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित संवर्धना कार्यक्रम रे केन्द्र क्रीड़ा मंत्री समेत अन्यान्य मंत्री माने मीराबाई को संवर्धना जनाइछंती। अनुपटे केन्द्र रेल मंत्रालय पक्षर मध्य तांको संवर्धना दियाजबा सहित 2 कोटी टंका पुरस्कार राशि घोषणा करा जाइछि। ता सहित पदोन्नति मध्य दिया जाइछि। एने ट्वीट करे केन्द्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दिछि। उग्र हेला सीमा विवाद, अशांत होइछि आसाम मिजोराम बॉर्डर। दीर्घ दिन धरी लागि रहिथिबा दुई राज्यर सीमा विवाद एबे चरम सीमारे पहुंचि जाइछि। दुई राज्यर सीमावर्ती अंचलरे संघर्ष लागि रहिथिबा बेले एभळि एक स्थितिकु नियंत्रण करबाकु जाई आसाम रो 6 जन पुलिस शहीद होती, 50 रु अधिक पुलिस आहत होती। आसाम रो कच्चर एवं मिजोराम रो
कोलासिब जिल्लारे ए सीमा विवाद सोमवार दिन उग्र रूप धारण करिछि। उभय जिल्लार स्थानीय बासिंदा ए उपद्रवरे सामिल थिबा बेले सुरक्षा बल सहित सेमानकर संघर्ष होइछि, जोथरे उपद्रवी मानंक गोलीरे आसामर 6 जन पुलिस कर्मचारी प्राण हराइथिबा आसाम मुख्यमंत्री सूचना दिछन्ति। राज्य सीमारे एभळि एक स्थिति को नै दुई राज्यर मुख्यमंत्रीक भितरे ट्विटर वार मध्य देखिबा को मिलछि। अन्य पक्षरे ए विवाद को यथाशीघ्र समाधान करबा को केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह दुई राज्यर मुख्यमंत्री को अनुरोध करबा परे दुई राज्य सीमारे शांति प्रतिष्ठा नै सहमति होइथिबा सूचना। जेई आडवांस तारीख घोषणा होई, आसंता अक्टोबर 3 तारीख में परीक्षा नहीं घोषणा करिछन्ते केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। आईआईटी रे एडमिशन कोविड कटकणा भितर हेबो जेई आडवांस परीक्षा। पूर्व जुलाई 3, 2021 रे जेई आडवांस परीक्षा हेबार थिला, किंतु कोरोना पई यहाकु स्थगित रखा जाइछि। महामारी जोगो जेई आडवांस 2021 रे किछि परिवर्तन करा जाइछि, जोंथरे छात्र छात्री जेई 2020 आडवांस क्वालिफाई करिछन्ते जो माने किंतु कोरोना पई अनुपस्थित रहिथिले सेमाने जेई आडवांस 2021 रे सीधा प्रवेश करि पारिबे बोली सूचना रहिछि। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटिबे दीदी। पांच दिनिया दिल्ली गस्तरे थिबा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपराह 4 समय प्रधानमंत्री को भेटिबार रहुछि कार्यक्रम। मोदी सह आलोचना परे से एक सांबादिक सम्मेलनी करिबे, तेबे ममता प्रधानमंत्री सह क्यों विषय आलोचना करिबे सेने राजनीति जोर धरिछि। 2021 विधानसभा निर्वाचन परे ममतांकर एहा प्रथम दिल्ली गस्त। ए समय से प्रधानमंत्री सहित अन्य विरोधी दल नेता भेटिबे, विशेषकर विधानसभा निर्वाचन जितिबा परे दीदी नजर 2024 लोकसभा निर्वाचन उपरे रहिछि। तेणु ए गस्त काल रे से विरोधी दल नेतृवृंद तृतीय मोर्चा ने आलोचना करिपारंति बोली चर्चा जोर धरिछि। ए क्रम रे से कांग्रेस अंतरीण अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, कमलनाथ को मध्य भेटिबे बोली सूचना रहिछि। पलातक विजय माल्या को हाईकोर्ट यूके हाईकोर्ट को बड़ झटका। यूके हाईकोर्ट विजय माल्या को देवालिया घोषणा करिछन्ति। यहाँ पर विजय माल्या को संपत्ति जबत हो पारे। भारतीय बैंक रो प्रतिनिधित्व करुथुबा ल फार्मा टीएलटी एलएलपी एवं बारिस्टर मार्सिया सेकर डेमियन करो भारतीय बैंक रो पक्ष रखी देवालिया घोषणा करने को अनुरोध करते, जहाँपर जस्टिस ब्रिक्स हाईकोर्ट रे वर्चुअल सुनानी करी विजय माल्या को देपालिया घोषणा कले। पलातक विजय माल्या 9,000 कोटी टंका बैंक ऋण करी जानी सुनी ऋण परिशोध न करी देश छाड़ी थिबार अभियोग होईछि। मयूरभंज जिला जामदा ब्लॉक मानबार गाँव में एमती जड़े आदिवासी महिला अच्छा जी विगत 36 वर्ष है अन्न किंवा कौन से रंधा खाद्य खाई। ए आदिवासी महिला ना हो फूलमणि बाघे, बयस 86 वर्ष। भगवान शिव एवं माँ दुर्गा उपासक फूलमणि स्कूल माटी माड़ ना बेले अनर्गल निर्भुल भाव में संस्कृत श्लोक उच्चारण कर समस्त आश्चर्य कै स्कूल बारंडा माड़ी नहंती हेले गाई परंती नाना प्रकार रो संस्कृत श्लोक सुनी सुनी से एसबु मुखस्थ करिछंती। सांतली भाषा व्यतीत अन्य कोनोसी भाषा रे कहि पारु नथिबा फुलमणि शुद्ध ओ निर्भुल भाबे महादेवंक महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करि पारुछंती। हम समर्पयामि अंत्रम्बको जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकोमिव वन्दनानमृतम रुखियो मामरु। केवल महामृत्युंजय मंत्र नुह, पुष्प अर्घ्य बेलपत्र अर्पणर अनेक श्लोक तांक मुहे मुहे रहिछि। फुलमणि विगत 36 वर्ष हला निज घरे ब्रह्मचारिणी भळी चळुछंती। कंचा खीर ओ फलमूल खाई तिष्ठि रहिथिबा ए 86 वर्षर महिला घर भितरे महादेवंक लिंग देवी किचकेश्वरी ओ माँ दुर्गांक विग्रह प्रतिष्ठा करी समग्र जीवन को कठिन व्रत भावे ईश्वर को समर्पित करि आसिछंती।
ଘର ଭିତରେ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ନିଜର ବିଶ୍ରାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି ଫୁଲମଣି। ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଗିରିଧାରୀ ବାଗେ କହନ୍ତି, ବିଗତ 34 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ନ ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ଫୁଲମଣି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଳରେ ସେ ଅବିବାହିତ ରହି ନିଜ ଘରେ ଏଭଳି ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଓ କାମନା ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଆଜକୁ 34 ବର୍ଷ ହେବ ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି, ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଫଳ ସେ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିରହନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଘରେ ଠାକୁରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସିମଳେଶ୍ୱର ବାବା, କିଞ୍ଚିକେଶ୍ୱରୀ ମା', ତାପରେ କିଆରା ମା' ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ସେଠି 6-7 କାଳ ସେ ସିମଳେଶ୍ୱର ରହିଥିଲେ। ଫୁଲମଣିଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତାରଣା ପଞ୍ଚାୟତର ମାନବୀର ଗାଁରେ। ପିଲାଦିନୁ ସେ ନିଜର ବାପା ବୀରବଲ ବାଗେ ଓ ମା' ସୁନାମଣି ବାଗେଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଭଉଣୀ ରାଇମଣି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆରପାରିକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫୁଲମଣି। ସେଦିନଠାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଖପର ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ଏହି ସାଧିକା। କଞ୍ଚା ଇଟା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାନ୍ଥ ଓ ଭଙ୍ଗା କବାଟକୁ ଡେରାଯାଇଥିବା କାଠର ବିପଦ ପ୍ରବଣତା ଭିତରେ ବି ସେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଛୋଟ ଏକ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ତ ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ କି ଗଣ୍ଡାଏ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘର ଓ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ରାଜାରାମ ବାଗେ। ମୋ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଧେ, ଆବାସ ଏଇଥର ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ପାଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାଉଳ କାଟିଯାଇଥିବ ତ ପାଇଯିବ ସେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ସାଧିକା ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ବିଭୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରାଙ୍ଗପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ସହମତିରେ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ। ବିବାହର କିଛିଦିନ ପରେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଝିଅକୁ ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଆଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଖବର। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବାବା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇବି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେ, ଆଉ ବୁଝେଇବା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆସିକି ନେଇଯିବି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ। ଦିଶାକ ବଳିଆର ସିଂ ଓରଫ ରବି କେମିତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ରବିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ରବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ଓ କେମିତି ହେଲା ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବେ ଶବଦାହ କରାଗଲା? ରବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ପାରିସରିକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ମୋତେ 10 ବେଳକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସ, ଯେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍କିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସ, ତମେ ଯେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଜଙ୍କିଆରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍କିଆରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେହ ସଂସ୍କାର କରିସାରିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘଟସିଗତା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘଟସିଗତା ଥାନାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ଏତେଲା ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେଲା ଜମା ବି ସୁଧାକର ସିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ସେ ଜମା ବି ମୁଁ ଏତେଲା ରଖିବାକୁ ନରାଜ ହେଲେ। ନରାଜ ହେବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ସେ ତ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କାହିଁ ହେଲାନି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ତ ମୋତେ ସେ ଦେଖାବି କାହିଁକି, ମୋତେ ଶେଷ ସମୟରେ ଥରେ ଦେଖା ବି କରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 5FC ସରକାର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ମୋର ଏଠି ନ୍ୟାୟ କାହିଁ, ଏଠି ମୋର ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠି? ମହିଳା କମିଶନ
ବହୁତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଠି ଫାସିଲିଟି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପାଇବେ। ମୋର ମୋ ସହ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋତେ ଶେଷ ସମୟରେ ବି ଟିକେ ଦେଖା ବି କରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନ ମାରିଥିଲେ ତ ଆମେ ଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଚଙ୍କିଆ ଯାଇଛୁ ଆମେ। ଯଦି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାହିଁ କଲାନି? କି ଜାଣି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କହିଛୁ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦଶ ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ପଇସା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇକି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ବୋଲି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କହିଲୁ। ଆମେ କେସ ଟୋଟାଲ ନେଲେନି, କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ହେରି ନଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଇଏରେ କ'ଣ ଧମକ ଆମକୁ ଦେବା କଥା ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ ଧମକ ଦେଲ ନା ଆଉ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର, ଆଉ ଏଭଳିଆ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥାନାରେ ନ ରହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଆଣିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଝିଅକୁ ଆସିବନି, ତୋ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ବିବାହ କରିଦେବି ପଛେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିବିନି। ପୁରା କାହାଣୀ କିଛି ଏପରି ଥିଲା, ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତିରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ ବିବାହ। କିଛିଦିନ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ବିବାହର 15 ଦିନ ପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପରିବାର ଚାପରେ ରବି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ଓ ସେହି ରାତିରେ ରବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ରବି ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଜାଣିନି, ସେ ଖାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ ଲଗେଇ କ'ଣ ମରିଛି ବୋଲି ଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୋତେ ବି ସିଏ ବି ମାନେ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେବଳ ଏଇ ଭାଉଜ ହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଭାରତରେ ପୁଅ ଏମିତି ଏମିତି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କଲାନି କାହିଁକି, କିଛି ପାଇବି ଲାଞ୍ଚ କିଛି ପଇସା ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାକୁ ଜବତ କଲାନି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ତେଣୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ସେ ପୋଡ଼ିଗଲି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଥିରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ହେଲାନି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଫିଟିବ ରବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କଟକ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ସୁଣ୍ଠିପାଳ ଗାଁରେ ବାରହା ଆତଙ୍କ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରହା ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ବିନ୍ଧାଣମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ନମସ୍କାର।